हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायकल। तो आज है आईब्रो थ्रेडिंग पार्ट 59 और आज मैं आप लोग को विगनर्स के लिए बता रही हूँ कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप लेके आईब्रो के लिए गाइडलाइन बनाए ताकि आपका आईब्रो एकदम से परफेक्ट बने। तो चलिए पूरे वीडियो को देखिए। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऊपर बढ़े हुए हेयर को कट कर ले रही हूँ। छोटे से सीजर से इसे कट करना है और कट करने में भी बहुत सावधानी रखना है। देखिए मैं किस तरह से सीजर को रख रही हूँ, बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है और ये कट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे कट होने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे भी हेयर दिख रहा है। तो इस तरह से धागे को यहाँ पे रखना है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ रखने के बाद आप यहाँ लेफ्ट हैंड को, मैं देखिए ये लेफ्ट हैंड को ऐसे प्रेस करती हूँ तो धागा आगे की तरफ जाता है और बिल्कुल ही बहुत ही क्लीन सा शेप आ जाता है। तो बस मैं यही आप लोग को बताती हूँ कि यदि आप क्लीन शेप चाहते हैं तो इस तरीके से ही आपको आईब्रो बनाना है, तो बहुत ही अच्छा सा शेप आपका आएगा। तो इस तरह से ये आईब्रो हो गया कंप्लीट ऊपर से। अब मैं नीचे का बता रही हूँ, पकड़िए। तो अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ बना रही हूँ। नीचे बनाने के लिए देखिए मैं कैसे बता रही हूँ, आज मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ कि सामने से कैसे गाइडलाइन लेना है। देखिए यहाँ से दो बॉल लेना है ऐसे बस, और मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आप लोग को नीचे का शेप करना बता रही हूँ। कई बार बिजनेस को नहीं समझ में आता है, एक ही बार यदि धागे को रखते हैं तो उनका शेप खराब भी हो सकता है। तो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े बाल को ली और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं दो दो बाल को ही निकाल रही हूँ और आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी तक जहां तक आईब्रो बना है बहुत ही क्लीन शेप दिख रहा है। इस तरह से यदि आप गाइडलाइन लेके बनाते हैं तो आपका आईब्रो बहुत ही अच्छा सा शेप में आता है, बहुत ही अच्छा सा लाइन बनता है और यही क्लीननेस लोगों को पसंद आती है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। तो अब मैं पहुंच गई यहाँ पे बीच में आज के पास और यहाँ से आपको राउंड करना है और धागे को घुमाना है नीचे की तरफ और ये अब देखिए शेप हो गया और आईब्रो भी क्लीन हो गया और अब देख सकते हैं कि एक आईब्रो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एक आईब्रो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं बीच में थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ और यहीं से मैं लेफ्ट आईब्रो को भी ऊपर से शेप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बढ़े हुए हेयर को कट करना है तो मैं यहाँ पे कर ली इसे कट। कट कर लेने से क्या होता है, ये दोनों एक लेवल में आ जाता है, इससे आपका आईब्रो ऊंचा नीचा नहीं होगा। और इसके बाद मैं इसे शेप कर रही हूँ। तो कई बार ऊपर के शेप में भी बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक चीज़ तो ये बताई कि इससे आप ये बराबर कर लीजिए, सीजर से कट कर लीजिए, इससे दोनों इक्वल होगा और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ भी चाहें तो छोटे छोटे स्टेप में काम कर सकते हैं इस तरीके से। और आपको फ्रंट से लेफ्ट आईब्रो का हाफ ही बनाना है, मीन्स यहीं तक बनाना है, इधर का करने में हो सकता है स्किन आ जाए, तो इतना ही बनाना है और उसके बाद आप लेफ्ट साइड में जाकर काम करेंगे। तो अब मैं बना रही हूँ लेफ्ट आईब्रो का नीचे का शेप कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर ग्रोथ कितना कम है, हेयर ग्रोथ नहीं है और यहाँ पे काफ़ी है। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि आईब्रो बिगनर्स क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं जो कि काफ़ी पतला हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसे नहीं बनाएंगे। यदि कस्टमर को चौड़ा आईब्रो चाहिए तो आपको धागा नीचे से ही रखना है, जितना चौड़ा चाहिए, भले ही यहाँ बाल ना हो लेकिन आपको रखना है धागा यहीं से। इससे क्या होगा ना कि वो अपने आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा तो बाल रहता ही है, रोआ जैसा बाल होता ही है, तो उससे क्या होगा ना कि वो शेप आ जाएगा चौड़ा में। तो इसलिए आपको ऐसे बनाना है। और देखिए जो भी मैं बोल रही थी वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाल कम था लेकिन फिर भी छोड़ने से ये यहाँ पे चौड़ा नज़र आ रहा है। तो इसलिए आपको ऐसे ही बनाना है। यदि कोई कस्टमर चाहती हैं कि उनका आईब्रो चौड़ा बने और उनका हेयर ग्रोथ नहीं है, फ्रंट में नहीं है, तो आपको ऐसे छोड़ के बनाना है, तो इस तरह से ये आईब्रो चौड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आईब्रो चौड़ा बन जाएगा। और मैं अब बनाते हुए आ गई यहाँ पे बीच में और यहाँ से धागे को की टर्न और अब देख सकते हैं कि ये आईब्रो भी कंप्लीट हो गया है लगभग। टर्न करने के बाद स्ट्रेट खींचना है और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसे आप इस तरह से रिमूव कर दें। बाद में भी यदि आपको लग रहा है कि आपके शेप से बाहर है हेयर कुछ तो आप उसे निकाल सकते हैं बाद में देख करके।
यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा और करना चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ फिर से कर ले रही हूँ सेप। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब बन गया आपका परफेक्ट आईब्रो, और ये लेफ्ट साइड का आईब्रो हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा बचा है जिसे मैं अभी सेप नहीं की हूँ। तो अब मैं इसे कर ले रही हूँ इस तरीके से, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट आईब्रो को कहाँ से खड़ा के बनाना है, कैसे करना है, ऊपर का कहाँ से बनाना है और नीचे का कैसे करना है। तो आज के वीडियो में आप लोग क्या क्या सीखे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।